नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। भारत समेत पूरे बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या जो है उसमें गिरावट नज़र आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा दिए गए कोरोना अपडेट आज आ चुका है। कुल जो संख्या है मरीजों की वो 565 बताई जा रही है। आइए जानते हैं किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। कोरोना मरीजों की बात करें तो अररिया में 12, अरवल में 6, औरंगाबाद में 1, बांका में 5, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 20, भोजपुर में 2, बक्सर में 6, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 13, गोपालगंज में 7, जहानाबाद में 7, कैमूर में 2, कटिहार में 15, खगड़िया में 2, किशनगंज में 9, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 12, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 15, नवादा में 6, पटना में 235, पूर्णिया में 12, रोहतास में 6, सहरसा में 17, समस्तीपुर में 5, सारण में 13, शेखपुरा में 1, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 28, सिवान में 9, सुपौल में 8, वैशाली में 9 और पश्चिमी चंपारण में 12। तो जो कुल मरीजों की संख्या है वो 565 है, जिसमें बिहार की राजधानी अभी भी बाजी मारती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कुल 235 नए मरीज आए हैं। हालांकि सूबे के मुखिया ने बिहार वासियों को एक खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीन की जो दवा होगी वो बिहार वासियों को मुफ्त में मिलेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।